जी सबसे ज़रूरी बात है कि लोगों से प्रशंसा मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम प्लेसेस लाइक लखनऊ, बनारस, जहाँ पे नॉर्मली यू नो वी डोंट गेट अ चांस टू गो देयर, जम्मू से मैसेज आना या पता लगना वहाँ पे शो फुल जा रहे हैं पटना में, और ऊपर से मेरे जो दोस्त हैं जो नॉर्मली मेरे साथ बहुत ऑनेस्टली बिहेव करते हैं व्हेन इट कम्स टू माय वर्क, दे रिएक्टेड सो पॉजिटिवली. रणबीर को पिक्चर पसंद आई, जो मेरे मेंटोर है आदि सर, आदित्य चोपड़ा, उनको बहुत पसंद आई फिल्म, आदित्य रॉय कपूर को फिल्म पसंद आई. तो जब लोगों के ऐसे रिएक्शन आते हैं जहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को, तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा. जी देखिए, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर से तो फिल्म को जो प्रशंसा मिलती है उसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी, पर मेरे जो कई क्रिटिकल दोस्त होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, जैसे मेरे कजिन्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है पर मुझे हमेशा सच बोलते हैं फिल्मों के बारे में, दे रिएक्टेड कि हम भूल गए कि यार तुम अर्जुन हो और हम सोचने लगे तुम माधव हो. तो जब ऐसा होता है तो सच में अच्छा लगता है. जी यार, ट्रैवल किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, आपको पसंद है, मुझे पसंद है, हम सबको पसंद है. मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे मौका मिल जाता है बार बार ट्रैवल करने का, तो आई एम वेरी वेरी लकी, बहुत लकी हूँ कि काम की वजह से ट्रैवल करने का मौका मिलता है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाता हूँ. आई वुड हैव टू से इट्स समथिंग दैट सब बोलते हैं कि आप मेरी हॉबी है या मेरा पैशन है ट्रैवल करना, बट जेन्युइनली हमारी ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा मिलता है जब हम गुम हो सकते हैं, तो वो मौके बहुत कम मिलते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है, ट्रैवल करके ही हम गुम हो पाते हैं, तो वो एक अच्छी बात है ट्रैवल करके. यार अभी जैसे हाल ही में मैं लखनऊ गया था फिल्म के प्रमोशन के लिए, अब लखनऊ मैंने 3 महीने बिताए थे इशक ज़ादे शूट करने के लिए, तो मेरे लिए वो मेमोरेबल है कि मैं वापस आया उस जगह पे जहाँ पे मेरी शुरुआत हुई थी. न्यूयॉर्क जब जाता हूँ तब हमेशा अच्छा लगता है, बिकॉज न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी बहन ने पढ़ाई की थी, तो मैं बार बार जाता था, मेरे दोस्त वहाँ पढ़े हैं, सो आई हैव मेमोरीज अटैच्ड टू न्यूयॉर्क, इज़ माय फेवरेट सिटी. अब जैसे इस बार लंदन में 3 महीने शूटिंग की है मैंने मुबारका की, सो ऑटोमेटिकली अब एक लगाव हो गया उस जगह से, बिकॉज अब वो देयर डिफरेंट मेमोरीज नाउ अटैच टू इट. सो या ऑल एंड ऑल आई थिंक आई वुड से एनी प्लेस विच यू हैव मेमोरीज ऑलवेज यू एन्जॉय गोइंग बैक टू फॉर लॉट ऑफ वेरियस रीजंस, नॉट ओनली अ हॉलीडे बट इफ यू हैव एन इमोशन अटैच्ड टू. सुनाई नहीं था जी 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 हाँ जी. देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक्टर से ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फिल्म वैसी होनी चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. योर फिल्म हैज़ टू बी एट दैट लेवल टू सरपास इवेंचुअली. वी आर ऑल रिलाइंग ऑन कॉन्टेंट, तो हमारी जब फिल्में अच्छी बनेंगी तो अच्छा करेंगी. अब वो बाहुबली को बीट करना एक एजेंडा नहीं हो सकता कि यू नो यू स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स फॉर दैट. द पॉइंट इज वी शुड ऑल बी सेलिब्रेटिंग बाहुबली, लर्निंग फ्रॉम इट, ग्रोइंग फ्रॉम इट एंड ट्राई टू कीप मेकिंग गुड फिल्म्स आउट ऑफ इट. बट आई थिंक द 3 Khans ऑल ऑफ देम आर केपेबल ऑफ टुडे. आई थिंक एनीबडी इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू गुड कॉन्टेंट एंड मेकिंग श्योर योर फिल्म डज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. अब वो बाहुबली ने जो किया है उससे आई थिंक ये तो प्रूव हो गया है कि कॉन्टेंट इज किंग. तो I think the hope should be that people just work hard on creating content that resonates with the entire country in the way Bahubali has. But it's, I don't think any actor is waking up saying ki hame Bahubali ko todna hai. The point is ki Bahubali isliye chali kyunki appreciation itni mili. So your craving is always ki utni appreciation mile. Ab aankde badalte rahenge. Ab cheeze badalti rahengi. But wo appreciation ke sath picture yaadgar rahe zindagi bhar na, usme zyada maza hai. बिकॉज आंकड़े तो चेंज होते रहते हैं, कोई ना कोई फिल्म आके बीट करते चले जाएगी, इट्स ह्यूमन नेचर, इट विल हैपन 1 साल में 2 साल में. जैसे दंगल ने दिसंबर में किया था, बाहुबली ने अप्रैल में कर दिया, तो कोई कुछ कह नहीं सकता. ये कहना गलत होगा कि अरे 6 महीने में नहीं होगा, क्या पता हो जाए या 6 साल लग जाए, बट उस बीच में वी शुड नॉट बी ट्राइंग टू बीट बाहुबली, वी शुड बी ट्राइंग टू मेक फिल्म्स दैट आर गेटिंग दैट लव दैट बाहुबली. मुबारक आज कम्प्लीट, इट्स गोइंग टू रिलीज इन जुलाई, एंड जुलाई 20th of July वी फिनिश शूटिंग फॉर इट इन, मैं अप्रैल में ही खत्म करके आ गया था, तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और आई थिंक मिडल ऑफ जून वी विल हैव द ट्रेलर आउट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू सी. थैंक यू सो मच.